गुड मॉर्निंग क्लास, माई नेम इज़ रमनदीप कौर। आई एम फ्रॉम सत्यम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नकोदर। ये लेक्चर आपका है मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स का। आज हम इस लेक्चर में इंक्रीमेंटल कॉस्ट करेंगे। कल हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किया था। आज हम आपके जो नेक्स्ट आपके सिलेबस में है वो आपका टॉपिक है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट आज हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे, इसका कंसेप्ट देखेंगे कि क्या है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है जो कंपनी को इनकर करनी पड़ती है, जो कंपनी को बियर करनी पड़ती है अगर वो क्या है, वो मैन्युफैक्चर एक एडिशनल क्वांटिटी, एक यूनिट की एडिशनल क्वांटिटी है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको जो कॉस्ट, जो एडिशनल एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो क्या है, इनकर हुई है कंपनी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है एडिशनल कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन किसी एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने की प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड होती है। एडिशनल कॉस्ट, इट इज़ डिफाइंड एज एन एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी ड्यू टू द कोरिस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, रिप्लेसिंग मशीनरी और इक्विपमेंट और एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट। क्या कह रहे हैं कि एडिशनल कॉस्ट जो है वो कंपनी द्वारा इनकर्ड की जाती है, कंपनी को होती है, किस क्यों क्यों होती है, कैसे होती है, कि चेंजेस होते हैं कॉस्ट से, जो चेंजेस जो हैं वो कॉस्ट से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि मशीनरी को रिप्लेस करना, इक्विप करना कोई मशीनरी है जो, उसको न्यू मशीनरी ले आना और एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट, और न्यू प्रोडक्ट ऐड करना, तो उनकी जो कॉस्ट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एडिशनल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मीन्स एडिशनल कॉस्ट जो एक यूनिट को प्रोड्यूस, एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी को इनकर होती है, उसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट, राइट। तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि कहते हैं कि एक कंपनी है वो प्रोड्यूस कर रही है 100 यूनिट्स, अपने मेन प्रोडक्ट के 100 यूनिट वो प्रोड्यूस कर रही है, और तभी कंपनी ने क्या ये डिसाइड किया कि उन्होंने जो है 10 और यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करने हैं, तो जो एडिशनल कॉस्ट इसमें जो इनकर हुई, जो 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की, एक्स्ट्रा जो यूनिट हमने प्रोड्यूस करने हैं वो जो एक्स्ट्रा 10 यूनिट्स की जो कॉस्ट है उसको हम बोलेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक है। तो राइट क्लास, तो एक एग्जाम्पल और बताती हूँ जिससे आपको ये सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उनकी जो प्रोडक्शन है वो है 100 यूनिट्स की प्रोडक्शन है प्रोडक्ट एक्स की, ठीक है जी। तो वो प्रोडक्शन जो है 100 यूनिट की वो कितने की आती, प्रोडक्ट एक्स की, वो उसकी कॉस्ट आती है 2000। जो कंपनी है उन्होंने एक अनदर प्रोडक्ट वाई ऐड करना चाहते हैं, वो तो जो उस पर जो जो कॉस्ट है वो इनकर होगी, जैसे कि सैलरी की टर्म्स में एडिशनल कॉस्ट, जैसे एडिशनल लेबर चाहिए होगी, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो ये सारी जो कॉस्ट होगी उसको हम क्या कहेंगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि जब उन्होंने न्यू प्रोडक्ट लाइन जो ऐड कर दी, अब वो प्रोड्यूस करी है 200 यूनिट प्रोड्यूस करी है एट द कॉस्ट ऑफ 3500। सो जो जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी वो 1500 होगी, कैसे कि 2000 जो थी वो पहले 100 यूनिट्स की थी, और 35000 जो है कि होगी है वो 200 यूनिट्स की होगी। तो 3500 माइनस 2000 इज इक्वल टू 1500, तो जो वो 1500 है वो हमारी होगी इंक्रीमेंटल कॉस्ट, वो हमारी एडिशनल कॉस्ट ऐड हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर क्लोजली रिलेटेड टू, जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है वो मार्जिनल कॉस्ट के साथ बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होती है। मार्जिनल कॉस्ट होती है कि टोटल कॉस्ट में चेंज आना, आउटपुट के इंक्रीज होने से, एडिशनल आउटपुट से जो टोटल कॉस्ट है उसमें चेंजेस आना। वेयर एज जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है उसका मतलब है कि टोटल जो एडिशनल कॉस्ट, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें पड़ी है, किससे, जो हमने डिसीजन लिया था कि हमने जो अपनी आउटपुट है वो जो है एक्सपेंड करनी है, इंक्रीज करनी है, और न्यू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो है हमने वो ऐड करना है, तो जो वो कॉस्ट आई वो हमारी कौन सी कॉस्ट होगी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। कल हमने की थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी जो कॉस्ट, जो चीज़ हमने, जो हमने क्या है सेक्रीफाइस किया, और इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है, जो हमने एडिशनल कॉस्ट, कंपनी को एडिशनल कॉस्ट पड़ी जो उन्होंने एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करे। बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट एनालिसिस,
इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है, एनालिसिस जो है, वो हेल्प करता है कंपनी को कि वो अपनी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करे और जो मनी है उसको सेव करे। नेक्स्ट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है वो यूजफुल होती है ये डिसाइड करने में कि जो गुड्स है उन्होंने मैन्युफैक्चरर करनी है कि कहीं और से वो गुड्स जो है वो परचेज करनी है। अंडरस्टैंडिंग एडिशनल कॉस्ट जो है, एडिशनल कॉस्ट को अंडरस्टैंडिंग करने से जो हमारी प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा वो हमें हेल्पफुल होगा ये डिटरमिन करने में कि रिटेल प्राइस क्या है। हमने क्या है कि जो एडिशनल सॉरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट एनालिसिस है वो हमें हेल्प करता है कि जो रिटेल प्राइस होगा वो डिटरमिन करने में हमें हेल्प करेगा। इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर रेलिवेंट इन मेकिंग शॉर्ट टर्म डिसीजन। जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है वो हमें जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं सॉरी क्लास जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्होंने जो डिसीजन शॉर्ट टर्म के डिसीजन लेने होते हैं, जैसे कि उन्होंने दो अल्टरनेटिव्स के बीच में कौन सा अल्टरनेटिव चूज़ करना है, उसको जो स्पेशल ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, ये शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने में हमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट हेल्प करती है। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में या किसी और टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।